खीरी लोकसभा सीट पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। बसपा ने यहां के सिख कम्युनिटी के युवा बिजनेसमैन अंशय कालरा को टिकट दिया है। अंशय कालरा मूल रूप से कौशाम्बी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली एनसीआर के जाने माने कारोबारी भी हैं। उनका बिजनेस रियल एस्टेट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी है। खीरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा पर दांव लगाया है। अंशय कालरा को बसपा ने इससे पहले गाजियाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन दो दिन बाद ही उनका टिकट काटकर उन्हें खीरी का टिकट दिया गया। जानकारों का मानना है कि सिख उम्मीदवार को खीरी सीट से लड़ाकर मायावती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के प्रति तिकुनिया कांड की वजह से सिखों में पनपे रोष को भुनाना चाहती है। 4 अप्रैल को कार्यकर्ता सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने मायावती का संदेश पढ़कर अंशय कालरा की उम्मीदवारी की घोषणा की। अंशय कालरा के अनुसार लखीमपुर उनके पुरखों की धरती है और उनके पुरखे लखीमपुर में ही रहते रहे हैं। फिलहाल वो अमरोहा में रहते हैं। अंशय कालरा ग्रेजुएट हैं और बसपा से कई सालों से उनका जुड़ाव रहा है। पंजाबी कार्ड के जरिए तिकुनिया कांड, हिंसा से नाराज सिख समाज और किसानों को एकजुट कर उसका लाभ लेने की बसपा की रणनीति से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अंशय कालरा ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं की गई है। अगर आप देखेंगे तो 10 साल पहले जो माहौल था, जो स्थिति थी लोगों की, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बल से बदतर हुई है। उसमें बेहतरी इस प्रकार की नहीं आई है। जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखा किया गया है और उनको दबाने का पूर्ण प्रयास किया है। उस चीज को हम दूर करेंगे, यहाँ पर विकास लेकर आएंगे, गरीबी मिटाएंगे और सर्वप्रथम यहाँ पर लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। खीरी संसदीय सीट में कुल 9,87,000 पुरुष और 8,74,000 महिला मतदाता हैं। खीरी संसदीय सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 18,62,000 है। खीरी लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में चुनाव होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 18 अप्रैल से नामांकन की शुरुआत होगी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां दलित वोटरों की संख्या करीब 4,25,000 है। वहीं 4,75,000 ओबीसी वोटर हैं। 2019 के चुनावों में सपा बसपा गठबंधन से यहां पर पूर्वी वर्मा को लड़ाया गया था, लेकिन वो भाजपा के अजय मिश्रा टेनी से बुरी तरह परास्त हुई थी। वहीं अगर 2014 के चुनावों की बात करें तो उस समय बसपा को अकेले 26% वोट हासिल हुआ था और बसपा के अरविंद गिरी दूसरे नंबर पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।